हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम टू माय चैनल स्किल्स ज्ञान। दोस्तों आज बहुत ही कड़क न्यूज आई है दोस्तों, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेन के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईआईटी जेई एडवांस के लिए जो क्राइटेरिया था 75% लाना बोर्ड में, वो हट चुका था, जो कि जनरल के लिए था सीबीएसई की, और 65% एससीएसटी के लिए था, राइट, वो हट चुका था। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल सर ने अभी जस्ट थोड़े देर पहले ट्वीट करके ये बताया कि ये जो क्राइटेरिया था सिर्फ जेई एडवांस के लिए नहीं, कि क्योंकि ये क्राइटेरिया सिर्फ जेई एडवांस के लिए नहीं, आज आप एनआईटी के लिए भी क्राइटेरिया ये हट गया। अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये टॉप 20% वगैरह अब कोई लफड़ा नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ 12th पास हो, बस आप 12th पास रहना, आप क्राइटेरिया में आ जाओगे, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो IIIT होते हैं, NIT होते हैं, राइट, उसमें भी ये सब क्राइटेरिया हट गई है। तो दोस्तों बस ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके साथ एक और चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये न्यूज़ ये है कि दोस्तों जो कि जो जोसा काउंसलिंग होती थी उसमें तो हमें पता चल गया कि जो 75% की क्राइटेरिया होती है और जो 65% की क्राइटेरिया होती है जो जनरल एंड SC ST के लिए रिस्पेक्टिवली जो होती वो थी, जो हट गई है। लेकिन दोस्तों जोसा काउंसलिंग में भी हट गई जो, और एक और काउंसलिंग होता है जो कि हम लोग CSAB काउंसलिंग कहते हैं, राइट, CSAB जो कि एक्स्ट्रा काउंसलिंग होता है, जो बची हुए सीटों के लिए काउंसलिंग होता है, राइट, उसमें भी आपकी ये जो टॉप 20% 75% का लफड़ा जो होता था कि आपको पास कर 75% एलिजिबिलिटी रहती थी, 65% एलिजिबिलिटी रहती थी आपके बोर्ड में लाना, वो भी हट चुका था। दोस्तों अब मन से तैयारी करना, पूरा तन से, पूरा जोश से तैयारी करना। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल गए थे, मेरी तो पास ही नहीं हो पाया, अब कैसे मैं जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करूँगा। तो अब दोस्तों अब जी जान से प्रिपेयर करो, मस्ती से करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और इस बार जीत तोड़ के एकदम पास हो जाना, अच्छे मार्क्स ले आना, 99.9% ले आना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आज देख रहे हो वीडियो, जो भी देख रहे हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज आई है रमेश पोखरियाल सर के द्वारा, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर है, राइट, आपको पता है। तो NIT IIIT में अब आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, तो जी तोड़ से मेहनत करना। और एक और चीज़ दोस्तों, अपने से एक तरफ से एक लाइक जरूर ठोक देना, क्योंकि ये न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये न्यूज़ बहुत अभी जस्ट आई है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह की अगर लेटेस्ट अपडेट रेगुलर चाहते हो कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहूं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह की अगर वीडियो और चाहते हो कि मैं लेटेस्ट अपडेट लाते रहूं आपके लिए, कॉलेज रिव्यू से भी रिलेटेड वीडियो लाऊं, लेजिट वीडियो रहेगा, बहुत ही अच्छे से रिव्यू बताऊंगा, तो अगर उस तरह के चाहते हो तो कमेंट में जरूर करके बताना कि ये न्यूज़ कैसे लगी, और जरूर कहना कि मैं लाऊं कि नहीं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये खुशी मिला ये न्यूज़ सुन के, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बस यही तो चाहता हूँ आपकी तरफ से, बस एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बस। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।